नमस्कार, स्टार्स टेल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। मेष राशि, प्रिय मेष राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता दिख रहा है। आपके प्रिय के साथ अच्छे समय का संकेत दिया गया है और आपको इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। आपके काम के मोर्चे पर भी कुछ नए संघों के माध्यम से कुछ उपयोगी व्यावसायिक अवसर सामने आने की संभावना है। ऐसे मौकों को हाथ से जाने न दें और उनके मिटने से पहले उन्हें हथिया लें। एक बेहतर कल के लिए आपके करियर को नया आकार देने के लिए समय तैयार है और सफलता और समृद्धि बस आपके साथ है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें। वृष राशि, प्रिय वृष राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपका जीवन साथी कुछ बेहतरीन सुझाव या सलाह दे सकता है, उन्हें नजरअंदाज न करें और उनके विचारों पर ध्यान दें क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि यह आपके लिए फलदायी भी साबित हो सकता है। उसे हल्के में लेने से उसकी भावना को ठेस पहुंच सकती है और आप दोनों के बीच और दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपका शांत और समझदार दृष्टिकोण आपके मौजूदा संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। आपके वरिष्ठों का समर्थन और शुभकामनाएं आपको बिना ब्रेक के अपने पेशेवर लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति भी दिन भर आपका निरंतर सहारा बनी रहेगी। मिथुन राशि, प्रिय मिथुन राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अपनों के साथ बिताया गया अच्छा समय आपको रोमांचित और हल्का रखेगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर स्थितियां एक नए ट्रैक का अनुसरण करने वाली हैं और यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी आपके चल रहे अफेयर में रुचि दिखा सकते हैं। आप कुछ नए क्षितिज तलाशने के लिए तैयार हो सकते हैं जो काम पर शानदार अवसर ला सकते हैं। अपने मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने से आप व्यस्त भी रह सकते हैं और यहां तक कि आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। व्यायाम खुद को स्वस्थ और शारीरिक रूप से मजबूत रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। कर्क राशि, प्रिय कर्क राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपको अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहने का सुझाव दिया जाता है। अपने आचरण के बारे में भी सतर्क रहें, विनम्र रहें और सुनिश्चित करें कि आपके शब्दों या कार्यों से आपके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आपकी आत्मा का साथी अच्छे मूड में हो सकता है और आपके आश्चर्य के लिए समान रूप से बदला ले सकता है। आप उसके साथ खुशी के यादगार पल बिताने में सक्षम हो सकते हैं जो आपके प्रेम जीवन में कुछ नया रंग और चमक जोड़ देगा। अपने कार्यस्थल पर आपको चीजों को वैसे ही स्वीकार करने की जरूरत है जैसे वे हैं और अपने वरिष्ठों या काम के साथियों के साथ बहस से बचने के लिए धैर्य रखें। आपका स्वास्थ्य आपकी प्रसन्नता के लिए ठीक रहेगा। सिंह राशि, प्रिय सिंह राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपको लंबे समय के बाद किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने का मौका मिल सकता है जो अंततः आपकी आत्मा को नए सिरे से ऊपर उठाएगा। आपके प्रेम के मोर्चे पर आपके अविभाजित ध्यान की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अपने प्रेम साथी को नजरअंदाज न करें। उसकी भावनाओं और चिंताओं को समझने से आपको एक दूसरे के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने में मदद मिलेगी। जब आप अपने कार्यस्थल पर हों तो काम का आसान प्रवाह आपकी नसों को ठंडा रखेगा। हल्का बुखार आपको धीमा बना सकता है, लेकिन पर्याप्त देखभाल करने से आप सुरक्षित रह सकते हैं। कन्या राशि, प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आज आपका कमजोर मूड घर में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए आपको अपना आचरण स्पष्ट रखना होगा। जहां तक संभव हो अपनी संवेदनशीलता को उजागर करने से बचें और हल्के में लेने से बचें। शांत रहने का प्रयास करें और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। साथ ही आपके गुस्से की असामयिक अभिव्यक्ति आपके रोमांस का स्वाद खराब कर सकती है, इसलिए उचित ध्यान रखें और अपने प्यार भरे बंधन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने शब्दों पर अच्छी नजर रखें। आप अपनी सभी आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे और यह पेशेवर क्षेत्र में आपकी छवि को बढ़ाने में मदद करेगा। अच्छा स्वास्थ्य भी आपके सभी प्रयासों में आपका साथ देगा। तुला राशि, प्रिय तुला राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपके निकट और प्रियजनों की मांगों को पूरा करने के लिए कुछ अप्रत्याशित दबाव आगे आ सकते हैं। शांत और संयमित रहने के लिए धैर्य आपकी कुंजी हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच का लगाव अब समय के साथ और मजबूत होना तय है, जो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों को एक नया आयाम देगा। बहुत सारी गतिविधियां और विकास पहले से ही पंक्तिबद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन आपको अंततः अपने काम का आनंद लेने की संभावना है।
आपके लिए बेहतर होगा कि आप अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें और सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए हल्का भोजन करें। वृश्चिक राशि। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आपको अपने बजट पर दृढ़ नियंत्रण रखने के लिए अपने घरेलू मोर्चे पर अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने का सुझाव है। आपके रोमांटिक मूड को साथी से समान रूप से प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो आपको अपने दिल की गहराई से खुश कर सकता है, और आपको व्यस्त बनाने के लिए आपके पेशेवर क्षेत्र में आपकी मांग बढ़ना निश्चित है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने पेशेवर मामलों में गंभीर रहें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उचित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता हो सकती है। धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, सर्वोत्तम समय प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान और धैर्यवान रहें। अपने प्रिय के प्रति पजेसिव होना उसकी भावनाओं को दबा सकता है, इसलिए उसे पर्याप्त जगह दें और उसे आसानी से सांस लेने में मदद करें। उसे मुक्त करने से उसे आपके मूल्य का एहसास करने में मदद मिलेगी और आपके भावनात्मक बंधन को और भी अधिक मधुर बना देगा। कार्यस्थल पर स्थितियां स्थिर दिख रही हैं और धन की पर्याप्त उपलब्धता आपके वित्तीय संकट को दूर कर देगी। अब आप अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अपना खुद का सेटअप चलाने की योजना बना सकते हैं। मकर राशि। प्रिय मकर राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है कि आप अपने घर के मामलों में खुद को शामिल रखें और अपने परिवार के सदस्यों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझें। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी भावनाएं आपको बुरी तरह जकड़ सकती हैं और आप अपने जीवन साथी के साथ एक घटनापूर्ण शाम का आनंद ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों के साथ सीधे टकराव से बचना होगा। केवल अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ध्यान केंद्रित करें और केवल उन मामलों पर ध्यान दें जो आपके करियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आपका उत्साह आपको तरोताजा और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगा। कुंभ राशि। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। अपने छोटों के संपर्क में रहने से भी आप सभी के बीच आपसी समझ को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपका जीवन साथी भी आपकी भावनाओं को समझने के लिए एकदम सही मूड में हो सकता है और उसी के अनुसार बदला ले सकता है। आपके करियर के मोर्चे पर लचीलापन आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। यह अपने पारंपरिक विचारों से बाहर निकलने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए बदलते समय के साथ खुद को ढालने का समय है। सुबह की सैर आपको दिन भर फिट रखेगी। मीन राशि। प्रिय मीन राशि के जातकों, ये सप्ताह इसलिए भी हटकर रहने वाला है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ग्रह गोचर भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा और आपके दिन का आनंद लेने के लिए आपके रिश्ते में अधिक निकटता लाएगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध बना रहे हैं तो इसे किसी के सामने प्रकट करने का समय आपके पक्ष में नहीं है। थोड़ा और प्रतीक्षा करें और समय आपकी खुशी के लिए सब कुछ ठीक कर देगा। आखिरकार, यदि आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में अपने वरिष्ठों से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आज आपको उनके पूर्ण सहयोग और समर्थन के साथ प्राप्त होने की संभावना है। उनकी मदद से आपकी योजनाओं और सपनों को पंख लग सकते हैं और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा होने की संभावना है। तो ये था 12 राशियों का सामान्य राशिफल। अगर आप निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। नमस्कार।